three girls, form a straight line from here, yes, that's it, good. Rosie. Good. Sheetal. And Neelam. Yeah. Yaar, Bonnie. Huh? Ye kya ho raha hai? कुछ नहीं यार, सिलेक्शन हो रहा है बास्केटबॉल टूर्नामेंट के लिए। अपनी कॉलेज की लड़कियां 7 दिन के लिए नासिक जा रही है। बास्केटबॉल टूर्नामेंट? हाँ, लेकिन नीलम और शीतल को तो बास्केटबॉल खेलना ही नहीं आता। तो क्या हुआ, खूबसूरत तो है ना वो। हाँ। पागल है तू भी यार, नीलम के बिना तो बहुत कॉलेज सुना सुना लगेगा। सुना सुना तो कुछ करते हैं क्या? चल अपन भी चलते हैं। अरे पागल है, मरना है क्या? वो लोग वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल में ठहरने वाली, और अगर हम लोग गलती से भी वहां चले गए ना तो इतने जूते पड़ेंगे कि गिनती भूल जाएंगे हम लोग। सुन। नहीं नहीं यार। अरे चलो यार। अरे नहीं, अरे कुछ नहीं होगा, नहीं हो सकता यार। हमें नासिक तकलीफ मिल सकती है? नासिक? हमारी आखिरी बस छूट गई है और अब शाम भी होने वाली है। इस घने जंगल में हम दोनों खूबसूरत लड़कियां कैसे रहेंगी? आप आइए ना, प्लीज कम। चल कम। थैंक यू, वेलकम। Excuse me. Yes? आप लोग कहाँ जा रही है? जी हम नासिक जा रहे हैं बास्केटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लेने। ओह अच्छा। आपका नाम नीलम है ना? आपको कैसे मालूम? जी मुझे आपके बारे में सब कुछ मालूम है। आप जिसके बारे में सोच रही हो ना, उसका नाम आर से शुरू होता है, मैं ये भी जानती हूँ। आपको कैसे पता चला? आपका हाथ देख के। यार ये ड्राइवर यार, कितनी गर्मी है यहाँ पे तुम्हारी इंजन के पास में। मैं पीछे कहीं बैठता हूँ। एक्सक्यूज मी प्लीज। आपका क्या नाम है? सोफी। ओ आपका नाम क्या है? हनी। हनी, व्हाट अ स्वीट नेम। आप कहाँ रहेंगी नासिक में? विठलदास हॉस्टल में। ओ है विठलदास हॉस्टल में? हम भी तो वहीं रह रहे हैं जी। हाँ आप भी वहीं? आ आप भी वहीं हैं? हाँ। ओह माय गॉड। फंसा दिया ना वो साला प्रोफेसर पीके मरे, वो मेरे प्यार में पड़ गया है। देख ये देख, मुझे खत लिखा है उसने। लिखता है आज रात को 12 बजे गार्डन में मिलना, रोमांस करने।
तो क्या हुआ, इंतजार करके चला जाएगा या लेडीज हॉस्टल में थोड़ी आएगा। अच्छा मैं जा रही हूँ, मेरा मतलब जा रहा हूँ, ठीक है, नीलम को मिलने जाइए। हाय शीतल, कहाँ जा रही हो? वो मेरी सहेली है ना नीलम, ना तो उसे नींद आती है और ना ही मुझे सोने देती है, इसलिए मैंने सोचा किसी दूसरे कमरे में जाके सो जाऊं। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अच्छा हुआ? हाँ, नहीं नहीं, मेरा मतलब है दरअसल मुझे भी नींद नहीं आ रही है, मैंने सोचा किसी के साथ बैठ के गप्पे मार लूं। एक काम करो, हाँ। तुम नीलम के पास जाके गप्पे मारो, हाँ। और मैं तुम्हारे कमरे में जाके हनी के पास सो जाती हूँ। हाँ, हाँ। अरे मर गया बोनी। हनी सो गई क्या? हाँ। अच्छा तो तू जाग रही है? हाँ। अरे तू इतना कांप क्यों रही है? मुझे सर्दी लग रही है, लगता है फ्लू है। अच्छा मैं भी किसी को बुलाकर लाती हूँ। नहीं 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 नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं सोचूंगी ना अपने आप ठीक हो जाएगा। तो एक काम कर, मैं तेरे सीने पे थोड़ा सा बाम मल देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, सीने पे नहीं, अगर मल नहीं है तो पीठ पे मल दो। तूने तो बिल्कुल कपड़े नहीं पहने हुए। मुझे ना बगैर कपड़ों के सोने की आदत है। हाँ। अच्छा बस अब, थैंक यू वेरी मच, चलो ना अब सो जाते हैं। गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। अरे हनी तेरे पैर पे इतने बड़े बड़े बाल, तू हेयर रिमूवर नहीं यूज करती? करती हूँ, मैं रिमूवर लगाती हूँ फिर उग जाते हैं, फिर लगाती हूँ फिर उग जाते हैं। वो क्या है, घर की खेती है ना, जब जी में आता है उग जाते हैं। अच्छा अब मैं बहुत थक गई हूँ, सो जाए। गुड नाइट। गुड नाइट। अब मैं समझी मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। अच्छा फंस कर के राज यहाँ आ गया तो? तो लेकिन राज यहाँ कैसे आएगा? प्यार करने वाले तो कहीं भी आ सकते हैं। मान लिया अगर राज यहाँ आ गया तो तू खुशी के मारे लिपट जाएगी। हाँ जी तो बहुत जाएगा, लेकिन मैं इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। मैं पहले थोड़ा नाटक करूंगी, थोड़ा भाव खाऊंगी, थोड़े बहुत नखरे करूंगी, उसके बाद उससे कहूंगी चले जाओ यहाँ से। कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? फिर क्या, वो जाने लगेगा, मैं उसे रोक लूंगी, मनाऊंगी और आंखों में आंखें डालकर उसे कहूंगी राज आई लव यू। मैंने कहा था ना प्यार करने वाले कहीं भी आ सकते हैं। है
बाहों में ले लूं मैं। रुक ये गजब है कयामत है, धड़कने तेज हो जाने दो, होश खो जाने दो। देखा तेरी मस्त निगाहों में, नशा है अदा है मोहब्बत है। देखा तेरी मस्त निगाहों में, और ये मस्तियाँ छाने लगी है मदहोशियाँ। उफ दो दिलों के साज पर गाने लगी है खामोशियाँ। अपनी दुल on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.